में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में हम आजादी के उन गुमनाम नायक और नायिकाओं को याद कर रहे हैं जिससे आज की युवा पीढ़ी अनभिज्ञ है। इसी कड़ी में पेश है पश्चिम बंगाल के नायक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध प्रफुल्ल चंद सेन की कहानी। महान स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल चंद सेन की, उनके दिल में देश प्रेम की आग ही थी कि 1930 से 1942 के बीच कई जेलों में वे 10 साल कैद रहे, लेकिन झुके नहीं। प्रफुल्ल चंद सेन ने आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1990 को कोलकाता में आखिरी सांस ली थी। आजादी के आंदोलन के अप्रतिम सेनानी सेन जमीनी लोकतंत्र और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गांधी की सोच के प्रति आजीवन प्रतिबद्ध रहे। सेन 1962 से 1967 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रफुल्ल चंद सेन का जन्म 10 अप्रैल 1897 को बंगाल के खुलना जिले के सेनहाटी गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, लेकिन 1920 में महात्मा गांधी का भाषण सुनने के बाद उनकी सोच बदल गई। उन्होंने विदेश में पढ़ने की योजना छोड़ दी और महात्मा गांधी की अपील पर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। ओ आमार देशेर माटी तुमार। और अब 3 मिनट में